नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास 2 प्रतिलेखन संख्या 21 का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकेंड। स्टार्ट। महोदय, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में जहाँ विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएं बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश को 18 प्रधान भाषाएं हों, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चिपटा हो, जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। द्विभाषिका का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषियों के मध्य हिंदी का प्रचार शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्मविकास या आत्मप्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके तथा दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह दो या अधिक भाषाएं सीखता है। यह व्यावहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है। वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य होता है। मैं आपको यूरोप के एक
छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या 40 लाख है। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग ही है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहां आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। इन पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए तथा उन्हें भाषा की कठिनाई ना हो, इसलिए दुभाषियों की, जो यूरोप की विभिन्न भाषाएं जानते हों, आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से युवक युवतियां विदेशी भाषाएं सीखते हैं और दुभाषिये का काम करते हैं। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है, दूसरी भाषा सीख कर ये अनुवाद कार्य करते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।